हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में देखेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है. ओके, तो बेसिकली श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन किस लिए दी थी? उसका पर्पस था कि किसी भी एटम में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे या किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है मिलने की, ठीक है, या फिर उस पॉइंट पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी. जैसे कि ये अगर हम एटम का मॉडल देखते हैं, ठीक है, ये हमारे बीच में न्यूक्लियस है और ये इसके आसपास जो है ऑर्बिटल है. अब यहाँ पे इस पॉइंट पर या फिर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रायिकता कितनी है, या फिर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर किसी एटम में, वो चेक करने के लिए श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी. ठीक है, इसके लिए श्रोडिंगर ने क्या किया कि उसने कंसिडर किया कि एक न्यूक्लियस है, उसके आसपास या उसके अराउंड जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है. इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पार्टिकल की तरह यूज में लिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है. तो उस मूविंग इलेक्ट्रॉन से कोई वेव एसोसिएटेड है और वो वेव है आपकी स्टेशनरी वेव. हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है, डी ब्रॉगी हाइपोथेसिस में कि जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो वेव और जो पार्टिकल नेचर होता है दोनों नेचर शो करते हैं. और उसमें हमने बेसिकली इलेक्ट्रॉन पे ही फोकस किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर दर्शाता है. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है और मूविंग इलेक्ट्रॉन के साथ जो है स्टेशनरी वेव एसोसिएटेड है. जैसे कि अगर ये यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके साथ साथ एक जो है वो वेव एसोसिएटेड है, वो भी मूव कर रही है. ठीक है, अब स्टेशनरी वेव से हमारा क्या मतलब है, स्टेशनरी वेव क्या है? तो स्टेशनरी वेव का डेफिनेशन ये है, स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, ओके, ट्रेवलिंग विद सेम स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट. तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब है, ये आपकी दे रखी है स्टेशनरी वेव. ये कह रहा है कि कोई दो वेव है जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है और वो सेम स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रही है, तो ऐसी वेव को हम स्टेशनरी वेव कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा डायग्राम, ओके, यहाँ पे रेड में जो दिख रही है वेव, ओके, रेड में जो वेव दिख रही है और जो ग्रीन और ब्लू में जो दिख रही है, ओके, इन सब का अगर आप देखेंगे तो रेड वाला ना देख के ग्रीन और ब्लू वाला देखेंगे तो इनका क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है और इनका फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल ही सेम है, ओके. अब एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, पहले वो समझ में आएगा तो समझ में आएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं. देखो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, ओके. ये क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड. जैसे कि अगर मैं एक साइन वेव लेती हूँ, ये हमारी एक साइन वेव है, साइन वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये है एक साइन वेव, सॉरी साइन नहीं बनी, देखते हैं इसको, बेसिक समझ लो इसका, फ्रीक्वेंसी क्या है, साइन वेव क्या है, ओके, एम्पलीट्यूड क्या है, तो सब क्लियर हो जाएगा. एक स्टेशनरी वेव है, इस तरह से मूव कर रही है ये, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा ये जो पोर्शन है ये आपका कहलाएगा एम्पलीट्यूड, ओके. हम जो जब तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है तरंग दैर्ध्य, ओके. तो हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात करें, हम कह रहे हैं कि एक वेव तो ये जा रही है, ठीक है, और दूसरी वेव अगर हम कहें तो दूसरी वेव अगर जा रही है ये वाली सेम, ओके, इस तरह से, तो इसका एम्पलीट्यूड इस वेव का और इस वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और जो ये आगे ट्रैवल कर रही है उसी स्पीड से ये वेव भी ट्रैवल करनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए दोनों वेव्स की, तो ऐसी वेव्स जो है वो स्टेशनरी वेव कहलाती है, जो कि किससे एसोसिएटेड है, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है. अब फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि किसी भी पॉइंट से जो है कितनी अधिक, एक यूनिट टाइम में, किसी भी पॉइंट से एक यूनिट टाइम में कितनी वेव्स निकलती है वो
फ्रीक्वेंसी कहलाती है, या फिर एक वेव कितने साइकल्स कंप्लीट करती है वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक साइकिल क्या होता है, यहाँ पे एक साइकिल होता है, अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको तो ये पूरा जब इतना ट्रैवल करती है हमारी वेव, ये इतना जब ट्रैवल करती है तो हम कहते हैं कि इसने एक साइकिल कंप्लीट किया है, ठीक है। तो एक यूनिट टाइम में जितने साइकिल्स कंप्लीट करेगी वेव वो हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, ओके। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में अगर आपको और डायग्राम से समझना हो तो हम हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, देखो एक फ्रिक्वेंसी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से वेव जा रही है, दूसरी है ये। तो जो फर्स्ट वाली है ना इसको कहेंगे कि ये वेव जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव है, ठीक है, इस वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये बहुत ज्यादा साइकिल्स कंप्लीट कर लेती है, जबकि ये इतने साइकिल्स कंप्लीट नहीं करती है, तो ये जो है वो लो फ्रिक्वेंसी कहलाएगी, ये जो है वो लो फ्रिक्वेंसी वेव कहलाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि दो वेव्स है जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, ये दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए, साथ ही उनकी ट्रैवल करने की स्पीड भी सेम होनी चाहिए, और वो दोनों क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हो सेम स्पीड से, तो ऐसी वेव्स जो है वो स्टेशनरी वेव कहलाती है, ठीक है। तो ये है स्टेशनरी वेव। अब स्टेशनरी वेव को कंसिडर करके ही श्रोडिंगर ने वेव इक्वेशन दिया था इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किसी भी एटम में फाइंड करने के लिए, ओके। तो वो देखते हैं हम यहाँ पे, अभी डेरिवेशन पे आते हैं सीधा, कि यहाँ पे देखो अब जो हमने देखा कि स्टेशनरी वेव होती है, हम कहते हैं कि स्टेशनरी वेव के लिए जो समीकरण दिया गया था वो है साई इज इक्वल टू साई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब आके ये कहाँ से आया, देखो इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, ओके। आपको यहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट करना है, इसको डिराइव करने के लिए बहुत लंबी कहानी है, तो यहीं से शुरू करते हैं हम, क्योंकि हमें तो सिर्फ डेरिवेशन डिराइव करना है, ओके। यहाँ पे ये साई क्या है, साई है हमारा तरंग फलन, जो भी हम वेव की बात कर रहे हैं, साई है हमारा तरंग फलन या फिर वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, ओके, वेव फंक्शन। और ये जो है ओमेगा क्या है, यहाँ पे ओमेगा है हमारा एम्पलीट्यूड, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ओमेगा है एम्पलीट्यूड, और टी यहाँ पे जो है वो टाइम को दर्शा रहा है, टी क्या दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है। तो ओमेगा जो है यहाँ पे किसके बराबर होता है, ओमेगा यहाँ पे बराबर होता है 2π ν के, और न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी है, किसकी, तरंग की फ्रिक्वेंसी, वेव की, स्टेशनरी वेव की फ्रिक्वेंसी। तो ओमेगा की वैल्यू जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा जो इक्वेशन है 1 वो हो जाएगा साई इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन 2π ν t। अब यहाँ पे हमने साइन क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो है वो साइन वेव यूज कर रहे हैं यहाँ पे। साइन वेव कहाँ से, किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो जीरो से स्टार्ट होती है यहाँ पे साइन वेव कहलाती है। उसके बाद आता है π/2, ठीक है, यहाँ पे आता है नोड पे पाई, ठीक है, इस तरह से। तो जो जीरो से स्टार्ट होती है यहाँ पे इस पॉइंट से, तो हम कहेंगे कि हमारी क्या है, साइन वेव है, ओके। चलो तो यहाँ पे हम स्टेशनरी वेव की कौन सी, साइन वेव यूज कर रहे हैं, राइट। तो साई इज इक्वल टू साइन नोट साइन 2π ν t यहाँ, ओके। अब ये तो हो गया हमारा, ये भी लिख लो कि न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें डेरिवेशन करना है, तो पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स में इसी स्टेशनरी वेव के लिए एक इक्वेशन दी गई है वो हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, ये क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम पढ़ रहे हैं, पर क्लासिकल मैकेनिक्स में एक इक्वेशन दी गई है, क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव के लिए एक इक्वेशन दी गई, थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स। अभी बताते हैं ये क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है, जहां पे वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी है वी, यूनिट वी, ठीक है, विथ टाइम गिवन बाय इक्वेशन साई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस साई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय वी स्क्वायर साई स्क्वायर साई डेल स्क्वायर साई सॉरी डेल डी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो है स्टेशनरी वेव के लिए एक इक्वेशन दी गई थी, और स्टेशनरी वेव के लिए इक्वेशन किसमें, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स के रूप में, ठीक है। ये जो है वेव, ये एक्स, ये यहाँ पे थ्री डायमेंशनल इक्वेशन के थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए जो है एक क्लासिकल मैकेनिक्स में इक्वेशन दी गई, और थ्री डायमेंशनल के साथ साथ जो है जिसकी वेलोसिटी, जिस स्टेशनरी वेव की वेलोसिटी कितनी है, वी है, वो किसी टाइम पर जो है उस वेव के लिए इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी इक्वेशन साई डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाय बी स्क्वायर। भी यहाँ पे वेलोसिटी है उस स्टेशनरी वेव की, ठीक है, विद टाइम, यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, ठीक है। तो साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत दी गई स्टेशनरी वेव के लिए, जिसको हमें यहाँ पे यूज में लेना है, ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जो ये पूरा पार्ट है साई को छोड़ के, या फिर मैं कहूँ ये डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है लैप्लासियन ऑपरेटर के, इसको हम कहते हैं, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। ये पोर्शन क्या कहलाता है, लैप्लासियन ऑपरेटर, इसके बराबर होता है। तो इसको हम जो है ये पूरा इस इक्वेशन नंबर थ्री में जो ये पूरा पार्ट है इसको हम किसके बराबर लिख देते हैं, डेल स्क्वायर के बराबर लिख देते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है हमारी, यहाँ पे देखते हैं हम, इक्वेशन बन जाती है हमारी लैप्लासियन ऑपरेटर का स्क्वायर, साई तो सब में था ही तो ये साई कॉमन आ गया यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू वन बाय बी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिया हमारा, ये क्या है हमारी इक्वेशन नंबर फोर हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमें इक्वेशन नंबर थ्री दी गई है, ये इक्वेशन नंबर थ्री दी गई है उसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अभी करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में, इक्वेशन नंबर थ्री को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक मिनट, using equation differentiate equation 3 with respect to time, इक्वेशन थ्री क्या थी हमारी, ओके। अब इसको करना है डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ओके। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने, यहाँ पे जो है साई जो है वो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आएगा यहाँ पे, क्लियर, ओके। नाउ ये जो है साई, इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, जब ये जो है इसका जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो आगे आ जाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो आगे आ जाएगा, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी साइन एक्स को आप जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो आगे आ जाता है और वो बन जाता है क्या, साइन
a cos ax, जब आप क्या करेंगे sin ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट है ये आगे आ जाता है और ये हो जाता है sin का cos ax, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, ये हो जाएगा हमारा 2 pi nu, आगे आ गया, ओके ये हो गया हमारा cos 2 pi nu t, ओके ये है हमारी इक्वेशन नंबर फिफ्थ, फाइन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर फिफ्थ को वापस से डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके डबल डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन फिफ्थ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन आता है आपको, ठीक है डबल डिफरेंशिएट किया वापस से, ये क्या हो जाएगा हमारा साइन नोट एज इट इज रहेगा, 2 पाई न्यू यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, ओके देन यहाँ पे अगेन क्या होगा, इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जब इस वाले पोर्शन को डिफरेंशिएट करते हैं कॉस ए टी को आप कॉस ए एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, ए आगे आ जाता है और आता है ये माइनस साइन ए टी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यही करना है यहाँ पे, इसको कोष्टक में डाल दो थोड़ा इजी रहेगा, 2 पाई न्यू माइनस साइन 2 पाई न्यू टी, ठीक है इस तरह से आप इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये जो बाहर है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 4 पाई न्यू स्क्वायर, और ये माइनस था तो ये तो माइनस आएगा ही, ओके ये हो जाएगा साइन नोट साइन 2 पाई न्यू टी, क्लियर। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो न्यू है ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 मिलने के बाद हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 6, इक्वेशन 3 क्यों कहा हमने, देखो इक्वेशन 3 में क्या दे रखा है, इक्वेशन 3 है हमारी ये वाली, ओके यहाँ पे जो साई नोट साइन 2 पाई न्यू टी किसके बराबर है, साई के बराबर है, तो हमें यहाँ पे जो है वो साई के बराबर रख देना है, ये रहा साई नोट साइन 2 पाई न्यू टी किसके बराबर रख देंगे, हम साई के बराबर रख देंगे, तो ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, डेल स्क्वायर साई डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई न्यू स्क्वायर, सॉरी पाई स्क्वायर था ना सब, ठीक है 4 पाई स्क्वायर ये हो जाएगा साई, ओके देन ये इक्वेशन होगी हमारी 7। इसके बाद न्यू किसके बराबर है, न्यू है हमारा वी बाई लैम्डा के बराबर, जैसे कि न्यू हमारा किसके बराबर होता है, सी बाई लैम्डा के बराबर होता है, सी क्या है वो है लाइट की स्पीड है, पर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड स्टेशनरी वेव की स्पीड की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे वी लिखेंगे, ओके इसलिए हम यहाँ पे वी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे वी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 पाई स्क्वायर, और न्यू की जगह क्या लिख देंगे वी, न्यू स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है, ये अगर इसका स्क्वायर कर दें हम, न्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर और ये साई, ओके ये है हमारी इक्वेशन नंबर 8। नाउ आगे जो है इक्वेशन 8 मिलने के बाद हम यहाँ पे करेंगे इसको कंपेयर इक्वेशन नंबर जिसमें कि हमें दे रखा था ये लाप्लाशियन ऑपरेटर, एक मिनट ये जो ऑपरेटर दे रखा था इसमें ये किसके बराबर था ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर जो है 3 को यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ओके तो चलो देखते हैं क्या होता है, ये इक्वेशन 8 नहीं इक्वेशन नंबर 4 और 8 को कंपेयर करते हैं, फाइन चलो लिख लेते हैं उसको भी यहाँ पे,
दोनों इक्वेशंस को हम लिख लेते पहले ताकि कंफ्यूजन ना हो. साइज इक्वल टू 1/v² था, साइज स्क्वायर साइज टी स्क्वायर. ओके, और ये तो थी हमारी इक्वेशन नंबर 4. और अभी जो हमें इक्वेशन मिली है वो क्या मिली है, वो मिली है टी स्क्वायर इज इक्वल टू -4π²v² / λ² साई. ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 8. अब यहाँ से जो ये वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 8 से इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे हम पुट कर देंगे. तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 4 and 8. ओके, तो ये आएगा हमारा वैल्यू 1/v² माइनस आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी तो ये 4π²v² / λ² साइन. ओके, ये हो गया. तो ये फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, -4π²λ² साइन. ओके, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 9. क्लियर? तो ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पर हमें यहाँ डेरिवेशन करना है तो हमें इसको आगे और सॉल्व करना होगा. देखो कैसे करते हैं. लैम्ब्डा हमेशा क्या होता है, आपने डी ब्रोगली इक्वेशन में लैम्ब्डा की जो है इक्वेशन डिराइव करी थी, लैम्ब्डा वहाँ पे क्या था, h/m भी निकाला था हमने, ठीक है. यहाँ पे क्या है, लैम्ब्डा स्क्वायर है, तो लैम्ब्डा स्क्वायर चाहिए, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका और इसका भी स्क्वायर करेंगे. तो ये हमारी इक्वेशन इससे यहाँ से क्या हो जाती है, ये हो जाती है -4π², ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे h², इतना लिखना तो हमें आता है, ठीक है, mv² और ये आएगा यहाँ पे साइन, इक्वेशन नंबर 10. ओके, अब यहाँ पे आगे आपको देखना है कि एक स्टेशनरी वेव जब मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई, या इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड स्टेट, मूव तो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है, पर उससे क्या है, स्टेशनरी वेव निकल रही है, जैसे ठीक है, तो यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टेशनरी वेव की, तो वो होगी 1/2 mv², ये डी ब्रोगली में हमने पढ़ा था जब हम उसको पढ़ रहे थे, ठीक है. इसी को आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी को ek से लिख देंगे ताकि हमें थोड़ा आगे जो है सहूलियत हो समझने में. ओके, तो ये हो जाएगा mv². अब मैं क्या करूँ, इसको m से मल्टीप्लाई कर दूँ और m से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ना हमें, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन m²v² / 2m. तो यहाँ से m²v² और ये 2m बराबर के इधर जाएगा तो 2m ek मिलता है. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 10. अब यहाँ पे देखिए आप, तो ये है mv² और यहाँ पे भी ये क्या है, mv² जो किसके बराबर है, 2m ek के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है. तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 11 से इक्वेशन नंबर 10 में हम वैल्यू पुट कर देंगे m²v² की, तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 11 एंड 10. तो ये वैल्यू पुट करते हैं हम, साइन इज इक्वल टू -4π² h² mv की जगह आ जाएगा ये 2m ek साइन. ये हो गई इक्वेशन नंबर 12. ओके, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हमें, कुछ नहीं, ये देखो बाहर 4 है, अंदर क्या है, अंदर है हमारा 2, तो 8 वापस से लिखेंगे इक्वेशन को, -8π² m ek / h² साइन, इक्वेशन नंबर 13. ओके, अब हम कभी भी बात करते हैं एनर्जी की, तो अब हम, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, पर टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, टोटल एनर्जी हमेशा जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई के, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बी, ठीक है. तो याद रखना हमेशा ई टोटल, इसको लिखेंगे हम ई टोटल, यानी कि टोटल एनर्जी किसी भी स्टेशनरी वेव की जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है उसकी टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के
बराबर होती है, किसम के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, E total is equal to E k plus V, ओके। और हमें क्या चाहिए, E k की वैल्यू चाहिए, तो E k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी E t minus V, ओके। तो E k की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पे पुट करने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 14। और फ्रॉम इक्वेशन 14 and 13, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे हम इक्वेशन 14 और 13 से, कि लाप्लासियन का ये हो गया स्क्वायर और साई माइनस 8 pi square m e t minus v by h square, ठीक है। और ये हो गया साई जो कि 15, राइट। तो ये जो है इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है और यही हमारी फाइनल इक्वेशन होती है। इसको और सही तरीके से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये जो बराबर के इस साइड है, हम इसको बराबर के उधर ले जाए तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू, नहीं, बराबर के उस साइड जाने पर ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई टी माइनस वी बाय एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, ओके। बराबर के उस साइड अभी कुछ भी नहीं है तो हो गया हमारा 0। ये है इक्वेशन नंबर 16। और ये जो इक्वेशन नंबर 16 है, यही क्या कहलाता है हमारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसके लिए है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें यहाँ से मिली है, ओके। तो लिख लेते हैं हमें यहाँ पे, दिस एक्सप्रेशन नोन एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ स्टेशनरी वेव, विच इज associated, which is associated with the moving electron, जो न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनसे associated wave, ठीक है। तो जब यहाँ से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगी कि कितनी तरह के तरंगे यहाँ से है, ठीक है। तो वहां से हम इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी का भी अंदाजा लगा सकते हैं, और वहां से फिर चार्ज डेंसिटी अगर हमें पता है तो हम यहाँ पे लगभग प्रोबेबिलिटी भी पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है कितने इलेक्ट्रॉन होने की प्रायिकता है ऑर्बिटल एटम में, ओके। चलो, इक्वेशन थी हमारी फाइनल, ये इसको और सिंप्लीफाई करें हम, या फिर और टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, तो ये इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और E t minus V psi is equal to 0, ओके। अब एक फॉर्मूला होता है, h कट एक रिलेशन होता है, h कट इज इक्वल टू h by 2 pi, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ओके। अब इसका मैं, क्योंकि ये देखो इक्वेशन में भी हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट है और एक रिलेशन है h कट इज इक्वल टू h बाय 2 पाई, अगर ये स्क्वायर में चाहिए हमें तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 2 का होगा स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये पाई का स्क्वायर हो गया, ओके। ये तो हमारा इक्वेशन 16 था, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 17। और यहाँ से एच स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, 4 पाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट का स्क्वायर, इसको 17 नहीं देते हैं, ओके। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 17। तो फ्रॉम इक्वेशन 16 एंड 17
ये हो जाएगा इक्वेशन साइन प्लस 8π² m। h की जगह क्या लिख दिया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने 4π² h कट स्क्वायर, ओके। और ये तो था ये हमारे पास et माइनस वी साई, ओके। अब यहाँ से आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन साई प्लस 2m h कट का स्क्वायर et माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया एक मिनट इक्वेशन नंबर 18, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 18। यहाँ पे अब कहूँ कि मैं इक्वेशन नंबर 18 को h स्क्वायर बाय 2m से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 18 विद h कट स्क्वायर बाय 2m, तो क्या होगा देखो, h कट स्क्वायर बाय 2m इन ओके ओके तो एक साइड है, तो ये हो जाएगा साई डेल स्क्वायर साई प्लस h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू 2m तो था ही हमारा, h कट स्क्वायर भी था ही, et माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये से कैंसल आउट हो गया है, तो इक्वेशन हमारी क्या बचती है, वो बचती है h कट स्क्वायर 2m साई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई प्लस ये et को हम साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये et साई, और माइनस वी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी साई इज इक्वल टू 0, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, et शायद चाहिए पूरी कंप्लीट एनर्जी अगर चाहिए किसी भी वेव के लिए वेव फंक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, et को रखते हैं हम यहाँ पे, इसको ले जाते हैं उधर वी साई, ओके, माइनस में उधर जाएगा तो हो जाएगा ये वी साई, और h कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m साई, ओके। तो ये हो गया इक्वेशन हमारी नंबर, ये हो गई इक्वेशन नंबर 19, ओके। अब यहां से आप क्या करेंगे, साई को कॉमन ले लेंगे, क्योंकि अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है, साई को कॉमन ले लेंगे। आप इसको वैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ज्यादातर बुक्स में आपको इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, बात दोनों ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। ये साई को कॉमन ले लिया, ओके। अब ये जो है ये वाला पोर्शन, ओके, इक्वेशन का h कट स्क्वायर बाय 2m साई स्क्वायर प्लस v किसके बराबर होता है, हैमिल्टोनियन के बराबर होता है, h h यहाँ पे क्या है, हैमिल्टोनियन, थोड़ा सा सही से लिखते हैं इसको, h यहाँ पे जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, h हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ओके, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, वो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन, ओके। तो बस वही है यहाँ पे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या आ जाती है, एच साई, इसे भी आप कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन,
क्लियर। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा ऑपरेटर, देखो लंबी छोटी कहानी है इसकी। ऑपरेटर जब भी हम क्वांटम पढ़ते हैं ना, तब हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो ऑपरेटर एक फंक्शन, ठीक है, एक ऑपरेटर और एक ऑब्जर्वेबल। वहां पे जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन वगैरह के जो रूल है उसमें आप जो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेबल यूज करते हैं, जिस तरह तरीके से, ठीक है, गति हो गया, घर्षण हो गया, स्थिति ऊर्जा हो गया, इसी तरह से क्वांटम में उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल का जो है वो वैल्यू निकालने के लिए एक ऑपरेटर होता है क्वांटम में। वापस से सुनना, क्वांटम के केस में किसी भी ऑब्जर्वेबल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, हर ऑब्जर्वेबल के लिए एक ऑपरेटर होता है। ऑब्जर्वेबल कुछ भी, जैसे काइनेटिक एनर्जी निकालना है आपको, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, आपका किसी को वेलोसिटी निकालना है, तो उन सबके लिए क्वांटम में एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर होता है। और यहाँ पे जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन है, ये भी एक तरह का ऑपरेटर है, और ये ऑपरेटर किसका है, ये टोटल एनर्जी का ऑपरेटर है। तो क्वांटम में जब भी बात करते हैं टोटल एनर्जी निकालने के लिए जो ऑपरेटर यूज होगा वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज होता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू।